हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ट्रैफिक में वॉल्यूम कितनी रखनी चाहिए, हम जो म्यूज़िक प्ले कर रहे हों या हम जब पहाड़ों पे हों या कहीं पे हों, तो हमें म्यूज़िक किस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए ताकि हमें दूसरी गाड़ी की आवाज़ जो है वो सुनाई दे। तो गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अगर हैं ट्रैफिक में हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सराउंडिंग्स के जो हमारे शीशे वगैरह हैं उनको भी हमने जो हमारे ये जो मिरर्स होते हैं इनको हमने सेट रखना है कि ताकि हमें तीनों मिरर, मतलब ये जो तीन मिरर हैं इनको सेट रख के ताकि हमें आगे पीछे का व्यू मिलता रहे। तो और म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक की वॉल्यूम हम नॉर्मली जब भी हम गाड़ी चला रहे हो 8 पे रखना चाहिए ताकि जो हमारी क्लियर आवाज़ आ रही हो। अगर ज़्यादा वॉल्यूम करनी है तो गाड़ी की जो हाईवे या डबल रोड है ना, तभी हमें करना चाहिए ताकि जो मतलब दूसरी गाड़ी हैं उनको मतलब हमें दिख, मतलब क्योंकि हाईवे तो जो होता है हमें सामने ही दिख रहा होता है, लेकिन जब हम टर्न्स पे होते हैं या किसी भी सिंगल रोड पे होते हैं ना, तब हमें इतना पता नहीं चलता है कि गाड़ी आ रही है आगे से या नहीं। और गर्मियों की बात करें तो गर्मी में एसी की जैसे ये आवाज़ है, इसकी आवाज़ और म्यूज़िक की आवाज़ जब मिक्स हो जाए तो हमें आवाज़ बहुत कम आती है। तो इसे भी हमने तभी मतलब मैं कहूँ तो 6 पे इसको एडजस्ट कर लें। 6 पे एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, तो मतलब आपको दूसरी गाड़ियों को भी सुनने में आसानी होगी और अपनी गाड़ी का म्यूज़िक भी आप इंजॉय कर सकेंगे और बाकी भी चीज़ें आप इंजॉय कर सकेंगे अपनी राइड में। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।